सर सर इनसे हो रहा है आप लोगों का इन फलों को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए सभी लोग पुष्पांजलि करते हुए देखे जा सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से सभी लोगों को यहां पर आकर उन्होंने हमें समय दिया। आदरणीय सीएमओ साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अपना स्थान लें, साथ में मलेरिया अधिकारी और साथ में सर भी आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से और भास्कर जी से, सभी आगंतुक आए हुए आदरणीय सीएमओ साहब यहां पर दिल्ली मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर आदरणीय राहुल सर साथ में आ जाए, ये महज औपचारिकता और सबसे बड़ी बात आपका आशीर्वाद है, तालियां हो जाए जोरदार। आदरणीय सीएमओ साहब ने विभिन्न कार्यक्रम का उद्घाटन किया, मैं सर आप विजिट कर ले सर चाहे तो सर अभी तक इधर आओ इधर आओ इधर सर आपकी पूरी टीम ने पूरी जुट लगाई के साथ और तन्मयता के साथ जो सर योगदान किया है जनता के लिए वो भाव सराहनीय और सभी पूरी टीम आपकी सतर्क जैसे ही थोड़ा सर आदरणीय त्यागी सर का आशीर्वाद है और खुदा निर्देशन है डॉक्टर राहुल जी से तो मानिए बिल्कुल पंच लग गए हो सर आपकी सर चाहे तो अभी तक इधर आओ इधर आओ इधर सर आपकी पूरी टीम ने पूरी और जल बोर्ड में थे आप जिम्मेदार ऑफिसर अभी हाल फिलहाल में सेवानिवृत्त हूँ उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा आप उनको मैं निवेदन करूंगा। देखिए सर डॉक्टर वैभव पास ने जिन्हें आपके आदेश का पालन किया और पूरे टीम के साथ यहां पर जिम्मेदारी संभाली है मैं निवेदन करूंगा भाई राजा बाबू जी से कि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय राजा राम आनंद जी को वो मौके भेंट करें और आदरणीय सीएमओ सर मैं एक और बात बता दूं आपको कि आपके सुपुत्र आप ही के विभाग में आप होंगे डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी को निभा रहे इसी के माध्यम से बात कहूँगा तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए तो इस उम्र से याद आया ये बहुत सुंदर सभी सर आपके लिए माता जी के कुशल निर्देशन में आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद में आदरणीय राहुल मुलशेर साहब जो कि हजारों नहीं लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है सर आप बहुत हमेशा अरे आ जाओ सब के पिता की स्मृति में दी गई तस्वीर है मुझे पूरा विश्वास है आप इसको सीधे से लगा के रखते हैं हमारे बीच में जो स्वास्थ्य बैठकर ज्ञान लिया था पूरे तरीके से दूर से ज्ञान ले रहे थे और अपनी नजरों से स्टाफ को आगाह कर रहे थे कि साहब आने वाले हैं सतर्क हो गए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ये उसी कार्यशैली का आपको प्रेम स्वरूप आपको रूप में दिया जा रहा है। मेरे बीच में आदरणीय एसीएमओ साहब सर मैं मेरा सौभाग्य आप आए सामूहिक तस्वीर है मेरे साथ के सभी लोग जो भी छवि उतार रहे हैं बड़े शानदार से उतार रहे हैं जिससे कि हमेशा यादगार बनी रहे। उसके बाद मैं बहन अपनी मिथिलेश भास्कर ये बाद में मैं सर रामपुर वाले जीजाजी से ये आए और अपनी एक यादगार तस्वीर जरूर हृदय से लगाएंगे मुझे पूरा यकीन है तो बहुत अच्छा रहेगा और ये यादगार पल। इसके बाद हमारी बहन छोटी बहन जो प्रियंका है मुझसे भी छोटी है वो कहाँ पर आपको गिफ्ट की है और मुझे पूरा यकीन है बहुत से लोग नाराज हो रहे होंगे इन तस्वीरों के भावनाओं को आप सभी के बीच में रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। जो भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन भी लोगों को उनके साथ रहने का मौका मिला है उनके जो भी विचार आपके साथ रहे हों तो दूसरों तक आप उसे ज़रूर पहुँचाएँ और मैं अपनी टीम से भी चाहूँगा कि जो भी यहाँ आप सभी की अपेक्षाएँ हैं उसको वो पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग उस पुण्य आत्मा की स्मृति में कुछ ना कुछ ऐसा करें वो जहाँ भी हों वो अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करेंगे और मैं स्वयं भी उन्हें कहीं ना कहीं जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाया हूँ आगे भी इस तरह की गतिविधियों में आपके बीच उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद भाइयों बाहर से आए हुए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे इस पावन पर्व पर आए अपनी उपस्थित दर्ज कराए।
रामप्रसाद भाई साहब मेरे बड़े भाई थे, मेरे से 5-6 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही प्यार दिया मेरे एड्रेस से, और मैंने इतना चिंता से इंतजार नहीं किया। बार बार परेशानियाँ होते हुए भी हमेशा मुस्कराते रहे, सामाजिक कार्य में आगे बढ़ करके काम करते रहे। कभी भी उनके मैं कई बार ये कहता हूँ, अरे भाई साहब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सहयोग करती हैं, हमेशा किसी भी कोई परेशानी छोटी से छोटी कोई परेशानी रही होगी वो यहाँ उपस्थित रहीं और सब कार्य को सुधार रूप से कराया। भाभी जी बहुत जिंदादिल हैं, भाभी जी का जो हमारा भाभी और देवर का रिश्ता होता है, हम शेखर भी कर लेते हैं कभी भी, आज ज़्यादा करते, पहले नहीं हिम्मत पड़ी, लेकिन आज भले ही टेलीफोन पर ही कोई बात कह रही हो तो हम मुस्करा करके कह देते हैं। ये मनोज जी ने इस तरह की जो व्यवस्था की सामाजिक कार्य के लिए, स्वास्थ्य केंद्र कराना, सब कुछ कराना, लोग मेरा परेशानी होते हुए भी अपने को बता नहीं पाते मेरे साथ ये परेशानी है, लेकिन जब मेडिकल कैंप लगता है, मेडिकल कैंप में जब जांच होती है तो सबका पता चल जाता है किसके साथ क्या परेशानी है, और उसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारीफ करता हूं अपनी मातृशक्ति राममूर्ति देवी जी की, जिन्होंने मनोज जैसे पुत्र को जन्म दिया। वाकई आजकल के जमाने में, इस दौर में मनोज जैसे पुत्र का होना बड़ा मुश्किल है, जिसकी आज भी अपने माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा है, और उसी का ये परिणाम है कि बोकारो को दृष्टिगत रखते हुए एक हेल्थ कैंप, आजकल की बहुत आवश्यकता है कि हेल्थ कैंप लगाया जाए, तो सामाजिक सरोकारों को दृष्टिगत रखते हुए मैं देख रहा था पिछले 10 दिन से वो कितने तल्लीन थे, कितने परेशान थे कि सर मुझे आंखों की जांच भी करानी है, सर मुझे आम मरीजों को भी दिखवाना है, सर मुझे कोविड की भी जांच करानी है, जितनी भी जांचें हो सकती हैं वो जांचें करानी है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल में बीमारों के प्रति, गरीबों के प्रति जज्बा हो। तो हमने जो कैंप लगाया है उसमें जो आपको सहायता मिल रही है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस सहायता को लें, और आगे आने वाला समय मलेरिया डेंगू का है, बारिश होगी, हमें साफ सफाई भी रखनी है, और घर के कूलर में, यहाँ भी देख रहा हूँ कि कूलर लगे हुए हैं, कूलर का पानी 3 दिन में बदल देना है, फ्लावर पॉट का पानी 3 दिन में बदल देना है। उसके अलावा आज का दिन 31 मई हमारे देश में नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ जितने भी सज्जन बैठे हैं जो तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कोई नहीं खाता, हाथ उठा दो कोई नहीं खाता, झूठे को ही उठा दो, तो ज्यादातर लोग नहीं खाते, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज मैं यही कहूंगा कि श्रद्धेय राम प्रसाद जी को जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होगी कि हम किसी भी प्रकार का गुटखा, तम्बाकू या कोई भी ऐसा साधन जिससे हम नशा करते हैं उसको अगर आज हम छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य शिविर भी अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मनोज जी। देखा साथियों, जो योग्य व्यक्ति है वो मल्टी डायमेंशन में अपनी बात को कहते हैं। श्रद्धेय राम प्रसाद जी की स्मृति थी और उसी स्मृति में टोबैको डे भी आ गया और मेरी झूठी तारीफ भी कर दी सर। तो मुझे तो लगता है ये पूरी झूठी कर दी आपने, लोगों को बड़ी नागवार गुजरेगी। चलिए सर, आपने इस लायक समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पिता के बहुत ही करीबी और बचपन के साथी उनके आदरणीय हरपाल अंकल जी आ चुके हैं, जो अनपारा जो बिजली केंद्र है भारत का नामचीन, उसके आप चीफ इंजीनियर रहे। मैं आदरणीय आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ पिता से जुड़ी हुई बातें, कुछ यादें आप साझा करना चाहें।
तो मैं आपको माइक देता हूँ। सर कानपुर से यहाँ पर आपने लंबे समय तक हिंदुस्तान में सेवाएं दी और उसके बाद भास्कर में आपका प्रमोशन हुआ है और भास्कर के इंचार्ज है, आपके अंडर में सातों तहसीलों पर जिम्मेदार प्रतिनिधि है जो पल पल की खबरें दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं भाई रोहित भाई से निवेदन करूंगा कि माता जी का आशीर्वाद ले लें और स्वागत करें। हमारे भी भास्कर से रोहित शर्मा जी आ चुके हैं, हाथ बिछाकर सड़क पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर मजदूर नींद की गोली नहीं, सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर मजदूर नींद की गोली नहीं है। तो हम कलम के सिपाही हैं, तो एक कलम के सिपाही का स्वागत, और ये डिजर्व करते हैं, इनका कार्य बहुत बड़ा है, इन्होंने लाखों सैकड़ों लोगों के लिए दिन रात कार्य कर अपने परिवार को परेशानी में डाल दिया, इन्हें कोरोना हो गया था। स्वागत करें, तो इन्होंने साथियों पूरे परिवार को, इनके को कोरोना हो गया था लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हौसला अफजाई जनता के लिए की। और आदरणीय बुद्ध रतन आनंद जी जो नियुक्त परीक्षण अधिकारी हैं सच में, और साथियों आप यूनियन के यहाँ पर जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं और आपने चुनाव जीत कर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर अच्छे मतों से जीत हासिल की है, और ये कार में काफी बिजी है क्योंकि इनका मुख्य आकर्षण जो आंखों की दवाई जी। देखिए इधर देखिए, माला पे हाथ लगा लीजिए, माता जी आगे आइए थोड़ा सा जी, आप खड़े हो जाइए। और ये बड़े जीजा जी हमारे डॉक्टर साहब दिल्ली से, ये देखिए आपने पुलिस पे लंबी सेवा ली है और सेवानिवृत्ति के बाद हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसा थमा दिखा दिया। आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी आए, जब मैं कहूँ सर हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सर बड़े आनंद फानंद में हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आप तत्काल चले आए छोटे से आग्रह पर, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम आपका जी। देखिए 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 इधर देखिए सर, सर इधर अवरुद्ध कर दिया, लोगों को दिक्कत हो रही है, क्षमा चाहते हैं। और इसके बाद में जो भी मेरे साथी रह गए, मोहतरमा जी ने मेरी आवाज़ सुन रही है तो आ जाए, आप कोविड का सैंपल ले रही थी, मैं देख रहा था आपको, तो माला पहना दे। और ये प्रेम का सिंबल है और बस आपने हाजिर लगा दी, हमारे लिए बड़ी बात है। मोहतरमा जी ने आए, आपका पुरखड़ों से इस्तकबाल करते हैं हम लोग सभी खवातीन और मोहतरम, आपका इस्तकबाल करते हैं, और माता जी और आंटी जी इन्हें सामूहिक रूप से एक शॉल उड़ा देंगी तो काफ़ी इन्हें बेहतर लगेगा। और भाई राजेश जी, भाई राजेश जी, राजेश गुप्ता जी डॉक्टर राहुल कुलशेष की बिल्कुल परछाई बन कर चलते हैं, और डॉक्टर राहुल कुलशेष से हमारा प्रेम लगभग 20 वर्ष से अधिक है, आपके जो बड़े भाई कह सकते हैं, साढ़ू साहब कह सकते हैं, उन्होंने हमें इतना प्रेम दिया, हमें बच्चे की तरह डील किया और एक प्रशिक्षक की तरह डांट टपट कर नाराजगी जाहिर कर हमको बहुत उन्होंने प्रेम और वो दिया। और मैडम सरोज जी, सरोज, अरे भाई साहब स्त्रीलिंग में समझ रहा था, आप आ जाइए, सरोज भाई आए, भाई सरोज जी आ रहे हैं, देखिए फिल्मी अंदाज में जोरदार ताली, नीली शर्ट वाले जोरदार ताली, सरोज जी हमारे बीच आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सरोज भाई आपको मिलकर, सच में देखिए सर कितनी चिंता करते हैं आपकी, सर सर वो बोल रहे गए सर हाथ लगा के देख लिए, देखिए भाई मोनू चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा, भाई मोनू चौधरी जी ठीक है, इसके बाद में भाई जितेंद्र यादव जी, भाई जितेंद्र यादव जी वो जरूरी काम से जा दिया जी, हाथ लगा लीजिए, वो जरूरी काम से जा चुके हैं, मैं उनसे जल्द मिलूंगा। उसके बाद में भानु प्रताप सिंह साहब सीनियर लैब टेक्नीशियन साहब, देख सकते हैं पूरा जिला अस्पताल आपके बीच में मार रहा है, बहुत ही प्रेम है डॉक्टर साहब का। भाई भानु प्रताप सिंह जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आ जाए। और अगले भाई हैं हमारे जिनके साथ में अक्सर डॉक्टर साहब लगभग मैं सोचा पी चुका हूँ,
और मुझे उस शख्स के बारे में पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी प्रतिभा का धनी है व्यक्ति। कोई बात नहीं, पहना दीजिए जी। तो भाई शोएब अंसारी साहब, जिला एपिडेमो लॉजिस्ट, इनकी विशेषता ये साथियों, जिस तरीके से कोरोना जब आया था ना, तो कोविड डाल दो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब हाथ लगा लीजिए, घूम गया भाई, घूम गया मेरे दोस्त। उसके बाद में मदन मोहन भाई, मदन मोहन जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ गए। मदन मोहन भाई आ चुके हैं, उनके गले में माला डालेंगे माताजी और डॉक्टर साहब, और जीजा जी भी डालेंगे और अंकल जी भी सहयोग करेंगे। इसके बाद में देवेश भाई, देवेश भास्कर जी फार्मासिस्ट हैं आप, बहुत ही कमाल का पद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। फटाफट भैया,